नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर के मुख्य बाजार निवासी मसाला व्यापारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में कोरोना पॉजिटिव आई है। व्यापारी का करीब एक सप्ताह पूर्व से मुरादाबाद में उपचार चल रहा है। दरअसल धामपुर नगर के मुख्य बाजार निकट भगत सिंह चौक निवासी एक व्यापारी मिर्च मसाले का काम करता है। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से व्यापारी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिस कारण परिजनों ने उसे मुरादाबाद के कॉस्मोस अस्पताल में भर्ती कराया था। बीती देर शाम व्यापारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जिस पर व्यापारी को कॉस्मोस अस्पताल से TMU में रेफर कर दिया गया। उधर व्यापारी के कोरोना निकलने की सूचना उसके मोहल्ले में पहुंची तो मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया। नगर पालिका टीम ने व्यापारी के रिपोर्ट आने के बाद मोहल्ले को सैनिटाइज कराकर गली को सील कर दिया। उधर दुर्गा बिहार में बैंक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को बैंक कर्मी की पत्नी व 3 वर्षीय बच्चे का सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। धामपुर नगर क्षेत्र में अब तक 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनमें से 3 लोग स्वस्थ होकर घर वापस आ गए हैं। वर्तमान में अभी तक 3 केस एक्टिव हैं। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर पीके गुप्ता, प्राइमरी चिकित्सा अधिकारी, अपने शासकीय धामपुर। धामपुर मेन मार्केट में कोरोना पेशेंट मिला है, क्या कुछ कहना है? वर्तमान में जो है, जो ब्लॉक धामपुर को मैं देख रहा हूँ, इसके अंतर्गत धामपुर शहर में कल एक रिपोर्ट और केस कोरोना का रिपोर्ट हुआ है। श्री सुशील कुमार गुप्ता, एक्चुअली ये हार्ट के पेशेंट है और ये कॉस्मोस हॉस्पिटल में वहाँ दिखाने गए थे। वहाँ कॉस्मोस के द्वारा इनका जो है कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें ये पॉजिटिव आए और इनको TMU मुरादाबाद में भर्ती करा दिया गया है। बाकी इनके परिवार के 4 लोग हैं जिनका हमने कॉन्टैक्ट के रूप में सैंपलिंग करा दी है और एरिए को जो है सीज करा दिया गया है, और जो वहाँ की गली मोहल्ले हैं उनको नगर पालिका के द्वारा सैनिटाइज कराया गया है।